गैस आप देख सकते हैं छोटी बाजू है और बाजू की लंबाई हमारी है 3 इंच, तो इसे मेगा स्लीव्स बोलते हैं। और मेगा स्लीव्स की कटिंग कैसे करना चाहिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे 3 इंच लंबी बाजू है और ये हमारे पास फैब्रिक आप देखिए अस्तर है, इसे हमने ऐसे डबल कर लिया है। देन उसके बाद हम इसको बाजू के लिए हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये आप देखें। अब जैसे 3 इंच की बाजू है तो हम सबसे पहले एक ऊपर निशान लगाएंगे। अब बाजू में 3 इंच लंबी रखनी है तो हम 3.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और आर्मोल जैसे कि हमारा आर्मोल 16 इंच देना है हमें, तो ऐसे हम 7 इंच रखेंगे ऐसे, और ऐसे हमारा 8 इंच आ जाएगा, 8 × 16, ये हमारा आर्मोल आ गया। और अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ये आप देखें, तो हम बिल्कुल अगर हम सीधा रखेंगे, ये आप देखें, तो हमारे बिल्कुल आर्मोल में मैच कर रहा है। बट हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको बाजू को गोल कटिंग करेंगे ऐसे ऐसे, इसको हम ऐसे 1.5 इंच नीचे उतार देंगे तो बाजू हमारी ऐसे गोल शेप में हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे आर्मोल की फिटिंग भी आ जाएगी, बाजू के अंडर आर्म्स के नीचे कपड़ा भी आ जाएगा। ये आप देखें हमारी ये बाजू कुछ ऐसे कटेगी इस तरीके से, और जो आर्मोल है आर्मोल भी हमारा कुछ ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या है कि हम इसमें ज़्यादा ऐसे गोल नहीं करेंगे, क्योंकि तो इसमें पीछे से गला भी डीप है और जो है उसमें जो है बाजू भी छोटी है, तो हम ऐसे अगर करेंगे कि फूलेगा पीछे से, तो हम इसको नॉर्मली कट करेंगे। ये देखें इसे हमने ऐसे कट कर लिया है। और जब गोल बाजू आप कट करते हैं, मेगा स्लीव्स कट करते हैं, तो आप जस्ट 1/2 इंच का ही मार्जिन दें, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन देंगे तो बाजू बैठेगी नहीं, आप अलग से पट्टी लगाएं। ये देखें, और उसके बाद क्या करना है, जो आपने मार्जिन देना है साइड में, ये तो काफ़ी इजी है मेगा स्लीव्स कट करना। अब इसमें देखिए आप, बाजू के बाद नीचे इतना मार्जिन भी आ गया है, नहीं तो क्या होता, हमारी बाजू ऐसे कट तैयार मोल में चुभ घुसता और वो फिटिंग प्रॉब्लम करता वो। और ये करने के बाद हमने हाला छाटने हैं, तो हाला भी हम ऐसे पहले थोड़ा सा तो ऐसे ही जाएंगे, फिर तो नीचे जाके वापस ऐसे मिला देंगे ऐसे करके। ये देखिए, तो काफ़ी इजी तरीका है मेगा स्लीव्स कट करने का। और जब हम मेन में कट करेंगे, मान लीजिए मेन में हमारे बॉर्डर वगैरह है कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ मेन। ये आप देखिए हमारे मेन में बॉर्डर है, बाजू पे बॉर्डर देना है, लेकिन बाजू में बॉर्डर हम ऊपर से पैच करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे पैच करेंगे तो फिर बाजू में जो है क्या कहते हैं, बाजू बैठेगी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अलग सेपरेट पहले बाजू कट करेंगे इधर ऐसे, अब हम बाजू को निकाल लेंगे सेम। ये आप देखें गोल बाजू है, इसकी बाजू की फिटिंग भी अच्छी आएगी। अगर आप इस प्रकार से मेगा स्लीव्स कट करते हैं तो आपकी बाजू की फिटिंग और भी बेहतरीन आएगी। जब भी छोटी बाजू होती है आप इसी तरीके से कट करें, आप 1-2 पीस में कट करेंगे, आपको खुद रिज़ल्ट पता लग जाएगा कितना अच्छा फिट आ रहा है। ये हमारा कट गया है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे बाजू कच्चा करके बॉर्डर हम उल्टी तरफ सीधी तरफ पलट देंगे या पैच कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा बॉर्डर भी आ जाएगा और बाजू शेप में बैठ भी जाएगी। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए चैनल पे विजिट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं और इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले हमें दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।